उत्तराखंड बजट 2023 को लेकर आज बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कर्नल अजय कोठारी ने टिहरी काल में पहुंचकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बजट को सभी के हित में बताते हुए कहा कि 2023 के बजट में रोजगार, स्वरोजगार, महिलाओं के उत्थान, सैनिकों को सम्मान सहित कई कार्य समाहित किए गए हैं। उन्होंने कहा, हमारे उत्तराखंड में टूरिज्म से काफी फायदा उत्तराखंड सरकार को मिलेगा, जिसकी ओर उत्तराखंड सरकार कार्य कर रही है। युवाओं को किस प्रकार स्वरोजगार से जोड़ा जाए, इस पर भी बजट में व्यवस्था की गई है। इस मौके पर जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रमोद उनियाल, उदय रावत, अनसुया नौटियाल, विजय कठैत, सोहन चौहान, पंकज बरवान सहित बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टीम यूकलाइज। उत्तराखंड सरकार, हमारे जो यंग मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में एक जैसे गवर्नमेंट के काम करने के जो तरीके होते हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि कैसे इनको और इम्प्रूव करा जाए आज की ज़रूरत को देखते हुए, और उनको इम्प्रूव करने की वजह से कैसे हमारे उत्तराखंड में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए रोजगार के जरिए, सशक्तिकरण के जरिए, और जो हमारे यहाँ पे कई अनफॉर्चुनेट जो चीज़ें आती हैं, जैसे डिजास्टर हो गया या कई बार जो भावना आती है कि अरे अब हमारा भविष्य में क्या होगा, उनको फोकस करके उत्तराखंड सरकार कई चीज़ों को इम्प्रूव कर रही है, और उनको इम्प्रूव करने के लिए सपोर्टिव जो ज़रूरत है वो है उत्तराखंड का इस बार का बजट। इस बजट में खास प्रोविजन जो करे गए हैं वो तो हैं कि कैसे हम ना रोजगार के जरिए बढ़ा सके, स्वरोजगार के जरिए बढ़ा सके उसी रोजगार में, फिर उसके बाद में विमेन के लिए, महिलाओं के लिए कैसे और सशक्तिकरण के तरीके बना सकें, कैसे उनके जो काबिलियत हैं उनको आगे लेकर के आ सकें, कैसे सैनिकों को और एक रिकॉग्नाइज करके और एक रिस्पेक्ट दी जाए, साथ में कैसे हमारे हिमालय जो हैं, इन हिमालय से किस प्रकार से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल तरीके से इम्प्लॉयमेंट के जरिए बढ़ा सकें, जिसमें शामिल हम बोलेंगे टूरिज्म के अलग अलग तरीके, रिलीजियस हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, इको टूरिज्म हो गया, एस्ट्रो टूरिज्म हो गया, ये जो चिड़ियाओं को देखने वाला टूरिज्म हो गया, उनके लिए कैसे स्कीम बना सकें, किस प्रकार से हमारे यहाँ पे जो और बेसिक सिस्टम होते हैं, शिक्षा हो गया, किस प्रकार से यहाँ पे हमारे हेल्थ की जो स्कीम है, ट्रांसपोर्टेशन के जो तरीके हैं, एक इंसान को जो जल घर में मिलना चाहिए, बिजली अच्छी मिलनी चाहिए, उनको कैसे सशक्तिकरण करा जाए, स्ट्रांग बनाया जाए, उनको प्रोविजन को देखते हुए ये बजट बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट के साथ में ऑर्गेनाइजेशन छोटी छोटी गठित करी गई है कि जो स्कीम बोली गई है उस स्कीम को ना जमीन पे इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, और इम्प्लीमेंट उस तरीके से होना चाहिए कि कम खर्चे में अच्छे तरीके से हमारे समाज में जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके।